बाद में हम लोग फिर प्रकाश अम्बेडकर जी को सुनेंगे। जो लोग उधर पीछे की तरफ जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, इधर उधर ना जाए, थोड़ा सा समय और दें हमें। हमारे बीच में माननीय अशोक उरानी, जोरदार तालियां अशोक उरानी जी के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता लॉयर है। जय भीम, जय भीम। मैं पहले आपको एक काफी कुछ सीरियस मामला हो गया है। हमारे बीच में कमल फारूकी साहब, हमारे बीच कमल फारूकी साहब पधार गए, जोरदार तालियां कमल फारूकी साहब के लिए, खड़े हो जाए कमल फारूकी साहब, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। दो चार बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो बुद्धा ने भी कहा और भीम साहब ने कहा, अम्बेडकर साहब ने सबसे जरूरी बात हमें ये बताई कि सच को जानिए। बुद्धा ने भी यही कहा, सच को जानिए पहले। शायर उसको बड़े अच्छे तरीके से कहता है, थोड़ा लाइट मूड हो गया, कहते हैं धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। लाइफ क्या है, सच क्या है, ये जीवन को जानना बहुत जरूरी है कि आज क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट आज क्या कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे खिलाफ इतने डिमोशन हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट आप सबको पता है, आप सब पढ़े लिखे हैं। इंदिरा सानी का केस जो रिजर्वेशन के बारे में डिसाइड हुआ, उस जजमेंट के बाद क्या क्या हुआ आप ये देखिए। उस जजमेंट के बाद यूपी में 50,000 डिमोशन हुए, कितनी शेम की बात है। जब मैं शेम कहता हूं तो आप शेम कहिए, इनको शेम कहना बहुत जरूरी है, आप बोलिए शेम शेम शेम। उसके बावजूद आज क्रीमी लेयर की बात हो रही है। मीना साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, आप सबको बताई ये क्यों हो रहा है, ये सच जानना बहुत जरूरी है। मैं तो क्योंकि कानून पढ़ता हूँ पिछले 40 साल से और पढ़ाता हूँ कोर्टों में, काफ़ी थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा रहा है, और बाबा साहब के आशीर्वाद से कई मंत्री प्रधानमंत्री मेरे क्लाइंट रहे, इसलिए मेरे को डर तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं सच कहना चाहता हूँ और ये कह के कहना चाहता हूँ कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे। मैं सच बोलूँगा, चाहे चीफ जस्टिस के खिलाफ हो, चाहे न्यायपालिका के खिलाफ हो, चाहे लेजिस्लेचर के खिलाफ हो। आप इस सच को जानिए कि जब ये चीफ जस्टिस बने आज सुप्रीम कोर्ट अंडर सीज क्यों है, आप ये सवाल पूछिए। बाबा साहब ने यही कहा, सच जानिए पहले। ये सवाल पूछिए कि आज सुप्रीम कोर्ट डरी हुई क्यों है। मैं बताता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट क्यों डरी हुई है। चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मामला था जिसमें सरकार ने उनकी मदद की, इस सरकार ने मदद की, अब इसलिए ये सरकार उनको यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, ये देखिए आप, इसलिए ये सारी बातें हैं। आप बताइए शेम है कि नहीं। कितने लोग आप देखिए, हमारे वो आजाद जो उसको गिरफ्तार किया वहां पर, पानेसर की जो मौत हुई कोरे गांव में, एक और बात देखिए, सच को देखिए क्या है सच। कोरे गांव में जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं जानता हूं उसको, आज अक्यूज भी कह सकता हूं, गिल्टी नहीं कह सकता हूं, जो बंदा सबसे ज्यादा जिसपे एलिगेशन है, जो अक्यूज है, उसको प्रधानमंत्री जी अपना गुरु मानते हैं, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो क्यों नहीं हुए, यही देखिए मैं कह रहा हूं। मैं तो प्रकाश साहब को सलाम करता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको बड़ी खुशी होगी, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं, विष्णु शिव को, मैं बाबा साहब को भगवान मानता हूं। बाबा साहब से बड़ा मैं विद ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कह रहा हूँ, जितना मैंने शास्त्र, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, आज पूरी दुनिया में, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मैं सब जगह घूमा हूँ, आज तक लोग ये कहते हैं, आज तक सिर्फ देश के नहीं पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि बाबा साहब वॉज दी मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। इसलिए मैं पहले बाबा साहब का फैन था, आज इनका फैन हो गया हूँ प्रकाश साहब का। प्रकाश साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। प्रकाश साहब संघर्ष करो, और चाहे जुडिशरी करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, मैं आपको एक चीज पढ़ के बनाना चाहता हूँ बाबा साहब की, कि मैं बाबा साहब को क्यों लाइक करता हूँ, क्यों उनको एडमायर करता हूँ। बाबा साहब ने ये कहा, अभी मैं मरा नहीं हूं, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, बशर्ते संविधान को मरने मत देना। अब सुनिए, ये है चेतावनी हमारे लिए, सबके लिए, इसीलिए मैंने कहा था जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, ये चेतावनी क्या है।
जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब कह रहे हैं जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो हम बाबा साहब को खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब हजारों साल लाखों साल अमर रहेंगे और ये संविधान की हम प्रोटेक्शन करेंगे। संविधान को कहां से खतरा है ये भी जानना जरूरी है। खतरा कहां से है संविधान को, देखिए सच क्या है। मुझे नहीं पता नीचे उतर के ये अरेस्ट करेंगे कि क्या करेंगे। मैं डरता नहीं हूं इनसे, बिल्कुल नहीं डरता हूं, आप चिंता मत करना। जिस प्रधानमंत्री के सामने जो 56 इंच की लेके घूम रहे हैं उनको बोलो 56 इंच की छाती नहीं 56 इंच का दिल लाइए, तब बात करेंगे। 56 इंच का दिल चाहिए। आपके मंत्री देखिए कितनी शर्म की बात है, इनके मंत्री हेगड़े ने यह स्टेटमेंट दी कि कुछ सेकुलर कुछ नहीं होता है, हम संविधान को बतलेंगे। कितनी शर्म की बताई है, बता शेम शेम शेम। इनकी नाक के नीचे इनका मंत्री बोल रहा है हम संविधान बदलेंगे। उस मंत्री को आप पूछिए, आज सभी लोग पूछिए इस बात को कि उसको आज तक सस्पेंड क्यों नहीं किया। आप सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी डालिए, सुप्रीम कोर्ट को SMS करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल डालिए। आनंद हेगड़े नाम है उनका। हाँ हेगड़े, आनंद हेगड़े ना। हाँ आनंद हेगड़े, शेम शेम। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हालत कर रहे हैं। मेरा इसलिए दिल रोता है, मैं तो क्योंकि शायर हूं ना, कानून तो अंबेडकर साहब को आता था और प्रकाश जी को आता है, मेरे को कानून तो थोड़ा सा आता है, मैं तो शायर हूं। मेरा दिल जरा दुखता है जब वेमुला को कुछ होता है या हमारी बच्ची के खिलाफ बलात्कार होता है कानून पे, तब मेरा दिल दुखता है। वो शायर कहता है ना, मैं शायर का दिल हूं, जल्लाद का नहीं, मैं खून की नहीं आंसुओं की जुबान समझता हूँ, मैं तो शायर का दिल हूँ। ये जो हालात आज चल रहे हैं आप देखिए क्या चल रहा है। दूसरे मंत्री ने आहिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, आप इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ये बयान देता है कि जो डॉक्टर नहीं आए हैं नक्सल के साथ उनको भी गोली मारी है। देखिए कितनी शर्म की बात है। क्या संविधान है, क्या संविधान है बताइए आप। और प्रधानमंत्री 56 इंच लेके घूम रहे हैं, उनको कोई असर नहीं हो रहा है। उनकी उनकी पार्टी का MP ये स्टेटमेंट देता है कि 20 करोड़ लोग जो पाकिस्तान नहीं गए उनको पाकिस्तान जानी चाहिए, उनका देखिए कितनी शर्म की बात है। बाबा साहब ने जिनके लिए जान दी, जिनके लिए अपना खून दिया, पढ़ाई की, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात क्या है, मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने प्रकाश जी से भी की, हम सबको अपनी पर्सनैलिटी बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी बनाना है, खाली डिग्रीज नहीं लेना है, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाना है कि कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि हिम्मत से कहो, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे, मैं सच क्या कहना चाहता हूँ। आपको अपना किरदार ऐसा, अपना करैक्टर ऐसा बनाना है कि बिल्कुल स्ट्रांग, जैसे इलामा इकबाल ने लिखा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो हमसे आके पूछे हमारी क्या मर्जी है। एक और बात मुझे मेरे दिल को बहुत दुखती है और मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी हमारे एक दोस्त ने बड़ी जो कह रहे थे कि मैं बुजुर्ग हो गया, मुझे तो लगा वो सबसे जवान है, जो मेरे से पहले बोल के गए व्यक्ति सबसे जवान है, उनके लिए ताली बजाइए, वो बैठे हैं महाराज, आप तो सबसे जवान हो, आप सबसे जवान हो, इनके लिए ताली बजाइए, कितनी बढ़िया बात की। आज आप ये भी फैसला करें कि जो लोग हमारे नाम पर हमारी टिकटों पर जाकर डिफरेंट पार्टीज में, चाहे BJP में हो, चाहे कांग्रेस में, किसी भी पार्टी में, जो हमारी स्ट्रेंथ पर जाकर बने हैं, वो आज उस पार्टी के गुलाम नौकर क्यों बन गए हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं जैसे इन्होंने बात करी है। जब उनकी पार्टी कोई खिलाफ बात करती है, चाहे क्रीमी लेयर पे हो, चाहे डिमोशन पे हो, तो वो क्यों नहीं बात करते, उनसे पूछा जाए, उनको बायकॉट किया जाए, उनकी शेम करी जाए, कम से कम उन सभी चुने हुए नुमाइंदों की जो हमारी स्ट्रेंथ पर बन के गए हैं और आज हमारे खिलाफ बात होती है तो चुप रहते हैं, उनके लिए भी बोलिए आप शेम शेम शेम। मैं आज क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन एक बात जो हमारी, मेरी प्रकाश जी से मैं इनका फैन बन गया हूँ, जो हमारी एक बात हुई कि हम पूरे भारत में ऐसे कैंप लगाएं, अपने युवा लोगों को स्मार्ट बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। जो जैसा बाबा साहब ने कहा, फर्स्ट एजुकेट, सबसे पहले जरूरी है एजुकेट योरसेल्फ। सब
आप कुछ भी पढ़ते हैं, कानून को समाज को जानना जरूरी है कि कानून है क्या, समाज है क्या। शेक्सपियर कहते हैं वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर ऑल एक्टर्स। तो चमत्कार को नमस्कार है दोस्तों। आज प्रकाश जी को नमस्कार इसलिए है कि इसलिए नहीं कि बाबा साहब के, इसलिए कि उनको नॉलेज है। बात करते हैं, बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन बनाया इतने सारे विद्वानों के बाद किस लिए? क्योंकि उनको नॉलेज थी, उनको ज्ञान था, उन्होंने पढ़ाई करी थी। इसलिए मैं बहुत एट ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसनेस में ये बात करता हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपना करेक्टर बनाना है। उन्होंने कहा पहले एजुकेट करो अपने आप को, फिर एजुटेट करो और ऑर्गेनाइज करो, तब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, नहीं तो 70 सालों से जो भी सरकारें आई, इधर की आई उधर की आई, सब हमें बेचते रहे। आई एम सॉरी टू से, जो आज तक बिके आज हम बिकेंगे नहीं, आज हम मुकाबला करेंगे और इन सबको दिखाएंगे कि सच क्या है, इनको शीशा दिखाएंगे। बाकी आई हैव बीन टच विद यू, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका, धन्यवाद। मैं प्रकाश जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ और इस पर्व का आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भीम।